सब्सक्राइब करें टेक्निकल अमित यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आप देख रहे हो टेक्निकल अमित। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू, जो कि है दोस्तों पैनासोनिक का एक माइक्रोफोन, और जो मुझे गिफ्ट किया है मेरे दोस्त ने। सबसे पहले प्रशांत भाई, यार थैंक यू सो मच यार, मतलब मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा यार कि मतलब 4 साल के बाद भी यार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो माइक्रोफोन मैं आपको आज रिव्यू में देने वाला हूं, दोस्तों ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है मेरी यूट्यूब वीडियोस को देख के। बोलता यार सही काम कर रहा है, अच्छी लगी है तेरी वीडियोस। सो मतलब वो मेरे साथ पढ़ता था दोस्तों, जब मैं 9th 10th में था, तो हम दोस्तों एक चंडीगढ़ में था मैं, तब मैं उसके साथ दोस्तों मैंने उसके साथ 9th 10th स्टैंडर्ड जो है वो पास की हुई है। तो दोस्तों अब मैं करीब मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं, तो यार मुझे आज अचानक एक सरप्राइज़ दिया है दोस्तों उसने मुझे। आज मैं अचानक दोस्तों सुबह देखता हूँ, मैं उठता हूँ, बाहर मुझे करियर वाला आता है और वो मुझे देखे चला गया। मैं पहले तो यार कंफ्यूज होता रहा यार कि कहीं गलत पार्सल तो नहीं आ गया, बट जब मैं वहाँ पे नाम पढ़ता था, अपना एड्रेस पढ़ता था, अपना नंबर पढ़ता था, तो वो मेरा था। तो दोस्तों जब मैंने वहाँ पे यार उसको खोल के देखा, तो मैं एकदम शॉक्ड था कि यार ये कौन देगा मेरे को इतना एक्सपेंसिव माइक्रोफोन। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों मुझे मेरे इस दोस्त का फ़ोन आता है, जो अब मेरी ये वीडियो देख रहा है, हंस रहा होगा यार कि भाई बहुत बहुत थैंक यू यार, मतलब मुझे अभी तक मैं तेरे को क्या बोलूँ यार, एक यूट्यूबर को एक माइक गिफ्ट, क्या सोच है तेरी, थैंक यू सो मच भाई यार। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो, ये आप सुन रहे हो दोस्तों आईबाल रोकी की ये जो रिकॉर्डिंग है। अभी मैं अपना वो माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एज वेल एज दोस्तों लास्ट में कुछ उसकी आपको पिक्स और कुछ छोटा सा रिव्यू आपको करके देने वाला हूँ। तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट फर्स्ट दोस्तों मैं उस माइक्रोफोन से एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़रा गौर कीजिए और बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कि इसकी जो क्वालिटी है वो जो है इस आईबाल के साथ क्या टक्कर देती है इसको। मुझे तो लगता है दोस्तों टक्कर देगी, क्योंकि प्राइस के मामले में तो ये टक्कर दे चुका है। आपको बता दूं कि इंडियन करेंसी में इसका जो प्राइस है वो करीब 4 से 5 हज़ार के बीच बीच है, और US कंट्री में दोस्तों जो इसका प्राइस है वो करीब से करीब दोस्तों $60 से $70 तक है। जो इसका दोस्तों मॉडल नंबर है पैनासोनिक का, ये जो माइक्रोफोन है इसका जो लिंक है और एज वेल एज जो इसका मॉडल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने वाला हूँ, ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उस माइक्रोफोन की एक छोटी सी झलक देता हूँ, एक छोटा सा जो अपनी रिकॉर्डिंग करके आपको बताता हूँ। दोस्तों अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है पैनासोनिक का स्टीरियो माइक्रोफोन। आप मेरी आवाज़ को देख के ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसमें क्या फ़र्क लगा आईबॉल में, क्या आपको इसमें बढ़िया नॉइस कैंसिलेशन मिली है। दोस्तों मैं इसको चेक कर चुका हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कि नॉइस कैंसिलेशन जो इसकी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो ये आवाज़ कैच करता है वो थोड़ी सी कम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी पॉप फिल्टर की वजह से, जो इसका पॉप फिल्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी लगी है, आईबॉल से बेहतर है या नहीं है, एज वेल एज जो इसकी नॉइस कैंसिलेशन है वो आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों ये है पैनासोनिक का स्टीरियो माइक्रोफोन। सो दोस्तों ये है पैनासोनिक का स्टीरियो माइक्रोफोन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार डब्बा वाला ड्रामा आपने क्यों नहीं किया, आज आपने क्यों नहीं बताया कि डब्बे में ये होता है वो होता है। तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सो मुझे नहीं लगता इसको कोई बाय करेगा, एज वेल एज दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये आपको अगर आप इसको इंडिया में बाय कस्टम पे आपको मंगवाना पड़ेगा, जिसकी दोस्तों आपको कीमत कुल मिला के इस माइक्रोफोन और कस्टम पे का करीब 5.5-6 हज़ार तक पड़ जाएगी। तो दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट दोस्तों अगर आप इसके एक्चुअल प्राइस की बात करें तो जिसका प्राइस है वो है दोस्तों 4,500, ये इंडिया में पड़ जाता है 4,600 का ये आपको इंडिया में पड़ता है। अगर इन डॉलर में बात करूं तो दोस्तों ये करीबन आपको $60 से $70 तक ये आपको जो है वो मिल जाएगा USA में। बट अगर आप इसको इंडिया में थोड़ा सा लेते हो तो वहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कस्टम पे देना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने इसका जो डब्बा डूबा ओपन नहीं किया है, बट मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना कि ये कुछ ऐसा माइक्रोफोन है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप पीछे से देखिए तो यहाँ पे आपको एक ढक्कन का वो मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये इसमें इसकी जो
पेंसिल सेल है वो डलेंगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी पावर पे चलता है, यहाँ पे आपको उसको पेंसिल सेल की जो है वो पावर देनी पड़ेगी। एज वेल एज दोस्तों बॉक्स में आपको एक चार्जर मिल जाता है जिसकी मदद से दोस्तों आप अपनी जो ये पेंसिल सेल है इसको चार्ज कर पाओगे, कहने का मतलब जो इसकी बैटरी है इसको चार्ज कर पाओगे। अब जो दोस्तों सबसे पहला है वो है दोस्तों इसको ऑन ऑफ करने के लिए, कुछ इस तरह दोस्तों ऑफ होता है, इसको ऑन करते हो तो छोटी सी यहाँ पे ब्लिंक लाइट मिल जाती है बैटरी की। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ, अगर आप मोनो में रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मोनो में कर लो, अगर स्टीरियो में करना चाहते हो तो स्टीरियो में कर लो। दोस्तों स्टीरियो का मतलब कि लेफ्ट एंड राइट दोनों से आवाज आएगी। अब दोस्तों आगे आपको मिलता है विंड कट का ऑप्शन। दोस्तों ये फीचर क्या करता है, अगर आप विंडी सिचुएशन में अपनी वीडियोज को रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये जो विंड्स की नॉइज होती है उसको बहुत ज्यादा कम कर देता है। दोस्तों जो एक बात इस माइक्रोफोन की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है वो ये है कि दोस्तों ये जो माइक्रोफोन है ये इनबिल्ट शोक प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक शोक प्रूफ माउंट लेना चाहते हो अपने DSLR के लिए तो उसकी कीमत करीब और करीब 2 से 2500 पड़ जाती है, पर यहाँ पे दोस्तों आपको इनबिल्ट मिलता है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब दोस्तों आप किसी उबड़ खाबड़ जगह में रिकॉर्डिंग करोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको किसी तरह की कोई नॉइज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये एक शोक प्रूफ इन बिल्ट माइक्रोफोन है।